डेटा में गड़बड़ी, 60 लाख पीएफ खातों में नहीं गया ब्याज, जानिए कब तक मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों, आप किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्स या संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपका भी ईपीएफ कटता है और आपको वर्ष 2019-20 का अभी तक ब्याज नहीं मिला है, तो दोस्तों क्या कारण है कि अभी तक 60 लाख ईपीएफ खाता धारकों को ब्याज नहीं मिला है। अगर आपको भी 19-20 का अभी तक ब्याज नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, जो भी आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आखिर क्यों अभी तक ब्याज नहीं मिला है और आपको क्या करना होगा जिससे आपका ब्याज आपके खाते में ऐड हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस अपडेट की तरफ। कम से कम 60 लाख लोगों को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज का इंतजार होगा। दरअसल ईपीएफओ के 10 से 12% ईपीएफ खाता धारकों को साल 2019-20 के ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज में देरी होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि सही डेटा न मिलने के चलते ये देरी हो रही है। सही डेटा न मिलने के चलते कई कर्मचारियों को ईपीएफ पर अब तक ब्याज नहीं मिला है। इसका असर 2021 के लिए मिलने वाले ब्याज पर भी पड़ सकता है। ईपीएफओ ने साल 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज इस साल की शुरुआत से देना शुरू किया था। अब तक 5 करोड़ खातों में ब्याज की धनराशि पहुँच चुकी है। ईपीएफओ के पास कुल 6 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। आमतौर पर ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको अपना ईपीएफ का पासबुक कैसे चेक करना है वर्ष 2019-20 का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ईपीएफ पासबुक गूगल पे टाइप करना है। उसके बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा passbook.epfindia.gov.in। आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट यानी ईपीएफ अकाउंट यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अपना एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना ईपीएफ का पासवर्ड और ईपीएफ नंबर दिया है। उनका हम चेक करते हैं कि देखते हैं इनका ब्याज ऐड हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कैप्चा जो दिया गया है 47-2, तो यहाँ पर हम इसका 45 हो गया, तो हम यहाँ पर 45 टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता है नहीं। लॉगिन हो चुका है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी वो जो अकाउंट होगा उसकी वो डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे 3 प्रकार से आप अपनी पासबुक को चेक कर सकते हैं। एक व्यू पासबुक न्यू ईयर और यहाँ पर क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड वर्जन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पे न्यू वर्जन में देखते हैं। तो दोस्तों 19-20 का है, यहाँ पे मार्च का इन्होंने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 का इनको कितना ब्याज मिला है दोस्तों, इनको ब्याज मिला है 3,149। ये एम्प्लॉय शेयर का मिला है और एम्प्लॉयर शेयर का मिला है 962 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन जो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है इसमें ब्याज नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको न्यू ईयर की जगह पे आपको ओल्ड वर्जन में आपको पासबुक अपनी यहाँ पे देखनी है। तो आप ओल्ड वर्जन में कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस, इस तरीके से पिछले साल का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओल्ड वर्जन में देखने वाले, तो यहाँ पर ओल्ड वर्जन में आपको ठीक ठीक से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको यहाँ पे 31 मार्च 2018 का ब्याज मिला है, 19 का मिला है, 20 का भी मिल चुका है। दोस्तों अगर आपका 31 मार्च 2020 तक का आपको ब्याज नहीं मिला है और यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका KYC अपडेट ना हो, तो आप जिसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन एक देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नोटिफिकेशन आपके ईपीएफ पासबुक में शो करता है तो आपको अपनी सारी KYC को, आधार, पैन को और बैंक खाते को अपडेट करना है। आपको उसे अपडेट करने के बाद आपका ब्याज आ जाएगा।
कभी कभी होता क्या है कि आपकी पासबुक अपडेट नहीं होती है, जो KYC अपडेट नहीं होती है, उसके कारण भी ब्याज आपके खाते में ऐड नहीं किया जाता। जैसा कि दोस्तों अभी हम आगे वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहाँ पर 60 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं यानी EPF खाता धारक हैं जिनके खाते में अभी ब्याज ऐड नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कंपनी के एक एक कर्मचारी की डिटेल सही नहीं है तो पूरी कंपनी के लोगों के अकाउंट में EPF का ब्याज नहीं डाला जाता है। दोस्तों थोड़ा अपडेट है और सॉफ्टवेयर में अपडेट भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आप इंतज़ार करिए, आपका मार्च से पहले आपके खाते में ब्याज ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।